कांग्रेस ने आज एक वीडियो जारी किया है। प्रशांत जी, इस समय दिल्ली में अब लू के थपेड़े पड़ने शुरू हो गए हैं, सियासी हवाएं जो हैं वो भी बहुत गर्म हो रही हैं, और खासकर आज ये जो तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा है ये काफी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम, आज उनकी किस्मत जो है तय होनी है। पूर्व केंद्रीय, मतलब अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों का नाम है इसमें शामिल, गुजरात की सीटों पर से, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है दो पूर्व, मतलब दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से इस बार का चुनाव, यानी जो तीसरे चरण का चुनाव है, काफी इस बार तनाव भरा है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसके कई बड़े नाम दांव पर लगे हैं, और खासकर गुजरात का अगर हम बात करें तो गुजरात की तो पूरी 25 सीटें, जिस गुजरात को बीजेपी ये सोचती थी कि वो क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम रूपाला ने ही वहां खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का। हालांकि बीजेपी अब भी उन पर दांव वो लगाए बैठी है, और क्या है इस सब खेल के पीछे, ये थोड़ा गणित आपसे समझना चाहते हैं। साथ ही आज अभी तीसरे दौर तक में हम बता दें, एक बार दर्शकों को रिकैप करवा दें कि 1 बजे तक जो टर्नआउट हुआ है, मतलब मतदान 39.92%, 1 बजे तक का मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में 49.27%, उसके अलावा उसके बाद ये गोवा में 49.04% है, और आसाम में 45.88% है, बिहार में 36.69% है, छत्तीसगढ़ में 46.14%, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 39.94%, गुजरात में 37.83%, कर्नाटक 41.59%, मध्य प्रदेश 44.67%, महाराष्ट्र 31.55%, और उत्तर प्रदेश 38.12%। ये 1 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हैं। ये तमाम इलाके वो हैं जो इस समय गर्मी में, मतलब लोग वहां पर मतदान करने निकले होंगे, क्योंकि लोगों को ये अधिकार है, वो अपने मतदान का अधिकार जो है बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत जी, लेकिन इस बार जिस तरह से जो पूरा चुनाव लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर आकर खड़ा हुआ है, और परसों जो राहुल गांधी ने एक लेटर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखा है, कल जिस तरह से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली पहुंच गई हैं, और अभी इस वक्त मोदी जिस तरह से दिख रहे हैं, वो परसों नरसों का उनका एक जो तस्वीर है जिसमें वो कमल के बटन को जला बुझा रहे हैं और बिल्कुल खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आज वो पैदल निकल गए, मतलब आचार संहिता तो कहीं उनके लिए मायने रखती ही नहीं है। एक वोटिंग बूथ पे मैं देख रही थी कि बाहर जो है गांधीनगर का, ये शायद राम जी का एक कटआउट वहां पर लगाया हुआ है, तो ये सारे आचार संहिता के उल्लंघन भी जो है वो हो रहा है। तो इस बीच अभी ये तीसरे दौर का चुनाव जिस तरह से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है गुजरात का क्या होगा इस बार, क्योंकि गुजरात से ही, मतलब एक कहना चाहिए कि गुजरात और यूपी दो बीजेपी के जो गढ़ थे, यूपी के तो पहले हमने देख लिया कि पहले दो चरणों में क्या हाल हुआ है, अब तीसरे चरण में आप क्या देखते हैं यहाँ पर? देखिए सरमित्रा जी, चुनाव आयोग की निष्क्रियता बीजेपी को नुकसान कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक वर्ग में ये संदेश चला गया है कि चुनाव आयोग जितवा ही देगा, हमको वोट देने की क्या जरूरत है। और जो कम वोट प्रतिशत आ रहा है उसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर आपके सामने है। कुछ दिन पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा के साथी रहे और योगेंद्र यादव जी से लंबी बातचीत की थी। योगेंद्र जी ने कहा था उस मेरे इंटरव्यू में कि चुनाव पलट चुका है। योगेंद्र जी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम जगह भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। मैं उन्हीं के आकलन के हिसाब से अगर आपको बताऊं कि आज 283 सीटों का मतदान या सीटों का फैसला हो जाएगा आज तक, आज शाम के 6 बजे तक, तो ये आधी से ज्यादा लोकसभा जो है वह मशीनों में जा चुकी है, शाम तक जा चुकी है। पहले दो चरण में एनडीए को 20 सीटों का नुकसान वो बता रहे हैं, और इस चरण में 20 सीटों का नुकसान, यानी आज जो चुनाव हो रहा है, आज जो मतदान हो रहा है उसमें 94 कैंडिडेट थे एनडीए के, उसमें से 80 सीटें बीजेपी के पास थी, और इन 94 यानी जो 94 सीटों का आज का जो मतदान है
उसके उसमें जब इतनी सीटें थी उसमें 20 सीटें कम हो रही हैं, इसका सीधा मतलब एक और ये जा रहा है कि अब तक एनडीए को 40 सीटों का नुकसान हो चुका है। तो 40 सीटों का नुकसान का मतलब है कि आज तीसरे फेज के तक मेजॉरिटी मार्क से नीचे आ चुके हैं, ये अब तक का आकलन है बड़ा कि तीसरे चरण में ही बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से नीचे आ चुकी है। अब यहाँ के बाद के जो चुनाव है उसमें अब बीजेपी के लिए करेक्शन कोर्स के लिए गुंजाइश बड़ी कम है, क्योंकि इस कोर्स तो इंडिया गठबंधन भी करेगा, तो करप्शन कोर्स वाले के स्टेट थे, राजस्थान चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ चुनाव हो गया, गुजरात आज पूरा निपट गया, मध्य प्रदेश काफ़ी हद तक हो गया, तो उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक हो गया, तो जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो काफ़ी हद तक हो गया। तो बीजेपी के लिए यहाँ से करप्शन कोर्स का अब गुंजाइश धीमे धीमे श्रिंक हो जाएगी, ये एक तो बड़ा तब्दीली है। दूसरा एक जो इनका बीजेपी का नुकसान किया वो मीडिया ने किया, जो सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, मैं उसका एक आपको प्रमाण देता हूं कि जो बीजेपी समर्थक मीडिया है ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसने जो अभी संजय जी भी कह रहे थे कि उसने एक नैरेटिव खड़ा किया और वोटर को उदासीन किया, इतना पूरे 5 साल उन्होंने हिंदू मुसलमान किया और जनता के मुद्दों से जनता को अलग रखा। हुआ इस पूरे प्रकरण में ये सरमित्रा जी कि जनता के मुद्दे उठाता रहा डिजिटल मीडिया, आपका चैनल और आपके जैसे कई सारे चैनल, ये लोगों जब जनता के मुद्दे उठाता रहा तो इनकी लोकप्रियता बढ़ गई, इनका असर बढ़ गया। अब मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ, मोदी जी का इंटरव्यू आया जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे थे कि उन्होंने आंसू बहाए वगैरह वगैरह, वो इंटरव्यू जिस चैनल पे आया उसमें कुछ हजार या 1-2 लाख लोगों ने शायद देखा, और अमेठी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा का भी इंटरव्यू डिजिटल मीडिया के चैनल ने लिया, उसके व्यूज आ गए एक दिन के अंदर 1 मिलियन 10 लाख। तो ये प्रमाण है कि क्या असर, क्या चीज असर कर रही है। ध्रुव राठी के वीडियोस बंगाल में असम में बड़ी स्क्रीन लगा के दिखाए जा रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया इस चुनाव को, खासकर YouTube इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है एजेंडा को सेट करने में। और मोदी जी का जो मीडिया है जहां वो 4 या 5 लोगों को, एंकर्स को बैठा के इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप इतनी ताकत कैसे आती है, आप आम कैसे खाते हैं, आप सोते कितना है वगैरह वगैरह, तो जो आसान सवाल, उस मीडिया ने बीजेपी का नुकसान किया है। अब काफी चुनाव देखिए, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, ये कंप्लीट हो रहे हैं आज तक। तो अब आप देखिए कि इतना बड़ा हिस्सा अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बीजेपी को रिकवरी का गुंजाइश बड़ी कम है। दूसरे के मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दे हम जानते हैं कि संविधान एक बड़ा मुद्दा आप चर्चा कर रही हैं, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा आ गया, 2 नए मुद्दे इस चरण में आ गए, एक कर्नाटक का जो यौन शोषण का कांड है रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के भाग गया, उसको ये वापस नहीं ला पाए, उसका पासपोर्ट भी सीज नहीं किया, उसको जर्मनी को या जहाँ भी वो है वहाँ से वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी सरकार अगर कार्रवाई करेगी 48 घंटे के अंदर सर्वित्रा जी वो SIT के हवाले होगा भारत में आकर। तो ये
दूसरा एक और मुद्दा जो कि आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा चुनाव में, वो मोदी जी की वजह से आ गया, वो था कोरोना में हुई मौतों का मुद्दा, वैक्सीन का मुद्दा। और जिस तरीके से पिछले एक डेढ़ साल से कुछ कुछ वीडियोस आ रहे थे कि अचानक लोगों को हार्ट फेल हो रहा है, यंग लोगों को दौड़ते भागते बात करते हार्ट फेल हो रहा है, गिर पड़ रहे हैं, डांस करते हुए गिर पड़ रहे हैं जी, उसको लेकर बड़े सवाल थे लोगों में। फिर वो एस्ट्राजेनेका की खबर आ गई, एस्ट्राजेनेका जो कि जिसके फॉर्मूले पर कोवैक्सीन यहाँ बना भारत में, उस खबर के आते ही वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो हट जाता। वो फोटो हटने से वो खबर बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गई। तो ये दूसरे चरण में एक नया मुद्दा जो है वो आ गया। राजपूत समाज की नाराजगी और सारे मुद्दे तो हैं ही, तो इस तीसरे चरण में अगर मैं इसकी आकलन करूं कि अब यहां से बीजेपी मेजॉरिटी बचाने के लिए स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई देगा। समित्रा जी, जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि जहां मुद्दों की जो बात हो रही है वो या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या कि फिर इंडिया गठबंधन जो है उसके नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और देश में जो सरकार चला रहे हैं पिछले 10 सालों से वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं और वो बाकी सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी ने एक बार ये कहा भी था कि कुछ ही दिनों में उनके आंसू अब देखने मिलेंगे, तो मंच पे तो आंसू नहीं देखने मिले, लेकिन टीवी इंटरव्यू में आंसू देखने जरूर मिल गए। संजय जी, अभी जैसे प्रशांत जी बता रहे हैं कि कम से कम 40 सीटों का नुकसान, मतलब दो चरणों का और ये तीसरे चरण तक जो आकलन बता रहे हैं कि 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जिस तरीके का अभी तक मतदाताओं का रवैया रहा है, जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज गिरे हैं, और खासकर यूपी और एमपी और कर्नाटक की जो सीटें हैं, और जो लगातार बोला जा रहा है कि दक्षिण में तो बीजेपी साफ है और यूपी में या उत्तर भारत में हाफ होने वाली जो स्थिति लग रही है, आपको क्या लगता है? और ऐसे में हम ये देख रहे हैं अभी कुछ समय पहले जैसे मलिक साहब भी बता रहे थे कि लालू प्रसाद जो हैं उन्होंने एक जो कांग्रेस को मजबूती दी, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते रहे हैं, तेजस्वी भी बिल्कुल उन्हीं की राह पर निकले हैं, और आज ही तेजस्वी का एक मैं देख रही थी कि अब उनको कैसे व्हील चेयर पे, मतलब वो बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कमर में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले उनको दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि मेरा दर्द जो है वो उन लाखों माताओं बहनों युवाओं के दर्द से ज्यादा नहीं है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये जो दर्द का रिश्ता है ये इंडिया गठबंधन ने मतदाताओं के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि अब आम जनता की तकलीफें क्या हैं? दर्द का रिश्ता जो मोदी जगह जगह घूमते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में शायद पैदा हुआ था या अगले जन्म में होऊंगा, या वो खुद को माँ गंगा का बेटा बताते हुए रो दिए, या जहां भी जाते हैं उनके तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल ही आती है, लेकिन ये कैसी रिश्तेदारी है जहां पर वो अपने लोगों के अपने वो परिवारजन बोलते रहे हैं इंडिया के लोगों को पिछले कुछ समय से, उसके बाद वो उनका दर्द नहीं समझ रहे, और ये इधर इंडिया गठबंधन है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन इस दर्द के रिश्ते को ही समझेगा या जनता समझेगी और इस बार मौका देगी इंडिया गठबंधन को? संजय जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लगता है कि बीजेपी जिस ढंग से सत्ता में, उसमें झूठ और जुमले माने जरूरत से ज्यादा उम्मीद दिला देना ही था, और बाकी काम मीडिया ने किया। अगर मीडिया शुरू से ठीक रहता और बता रहा होता कि ये जुमला है, ये सच हो ही नहीं सकता है, या ये सच कैसे हो सकता है, अगर मीडिया नॉर्मल भी अगर बिहेव कर रहा होता तो लोग गलतफहमी में नहीं आते और शायद बीजेपी जीतती ही नहीं। और जीतने के बाद अगर मीडिया अपना काम ठीक से कर रहा होता और झूठ को बता रहा होता कि ये झूठ है, ये गलत है, या सिर्फ ये याद दिला रहा होता कि विदेश से पैसे आने थे वो नहीं आए, और मोदी जी नोटबंदी करके महिलाओं के घर में जो बचत के पैसे हैं उसको खर्च करवा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, या मोदी जी का काला धन का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। अब तो यही पता चल रहा है कि मोदी जी का काला धन का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। मोदी जी समझ रहे थे कि हर कैश मनी जो है सो ब्लैक ही होता है, जबकि महिलाओं के पास घर में अगर कुछ पैसा बचा है तो वो ब्लैक मनी नहीं है, और जाहिर है वो पति से या परिवार से छुड़ा के छिपा के रखती थी तो वो काला धन नहीं होता था।
लेकिन मोदी जी के जो कंसेप्ट में वो काला धन घोषित हो गया था। तो इस तरह की गलतियां मोदी जी के कंसेप्ट में ही थी जिसको मीडिया ने क्लैरिफाई भी नहीं किया, बताया भी नहीं, और उस सब का नुकसान हुआ। और उनके ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने बिना सोचे, बिना प्लान किए, बिना किसी से चर्चा किए नोटबंदी जैसा इंप्लीमेंट कर दिया, या जीएसटी भी कर दिया। जीएसटी भी बहुत जल्दीबाजी में इंप्लीमेंट किया था। मीडिया अगर बता रहा होता कि ये नुकसानदेह हो सकता है, इनको सतर्क रहना चाहिए, तो वो भी सतर्क होते, उनकी पार्टी, उनके समर्थक भी सतर्क होते, और जनता सब जान रही होती। तो इन्होंने पूरे 10 साल, माने अगर 2019 में मुझे लगता है कि पुलवामा नहीं हुआ होता और कांग्रेस की तैयारी या ऑपोजिशन की तैयारी ऐसी होती तो 2019 भी अलग होता। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, और कोई भी वोट क्यों देगा हिंदू मुस्लिम करने के लिए या मंदिर के लिए? सरकार की क्या जरूरत है? मैंने अक्षरधाम जैसे मंदिर, ये अपना नेहरू प्लेस में जो लोटस टेम्पल है, वैसे मंदिर के लिए किस सरकार की जरूरत पड़ी? बन जाता है, दुनिया भर में कितने मंदिर बने हुए, तो उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं थी। और सरकार जो मंदिर बनाने के लिए आई, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड से और वैसे कितने पैसे कमाए, ये सब अब छिपा हुआ नहीं है। और ये संयोग रहा कि 2024 के इलेक्शन से पहले चंडीगढ़ से शुरू हुआ और इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेते हुए रोज सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में आता रहा, रोज मामले खुलते रहे। तो सब मिलाकर के सरकार ने जो किया था और जो सब जमा हुआ था, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में बातचीत चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में, आज शायद उनका जमानत हो जाए। तो अब दिल्ली इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट से अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो जाहिर है उसका भी नुकसान उनको होना है, और लोग समझ जाएंगे क्लियर कि उनको इलेक्शन के लिए पकड़ के बंद कर दिया गया था जबरदस्ती। संदेश तो जा ही रहा है, अखबार में नहीं छपे लेकिन लोग तो समझ ही रहे हैं। तो इन सब का नुकसान, चूंकि इतना ज्यादा हो गया था और सब एक साथ जमा हुआ पड़ा था, और सब संयोग से या किसी कारण से या साजिशन जो भी हो, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन अब ये हो ये रहा है कि एन पोलिंग के दिन इन्होंने 45 दिन के चुनाव की योजना बनाई और 45 दिन में रोज एक से एक, रोज एक एक करके नई नई चीजें सामने आ रही है जो सरकार के खिलाफ है और जिससे सरकार का के प्रति नाराजगी बढ़ेगी, तो उसका नुकसान हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी जो एक्सपर्ट थे, जो उनके चाणक्य थे या जो उनके सहयोगी थे, वो सब इसको काउंटर नहीं कर पा रहे किसी भी तरह से, और जो कर रहे हैं काउंटर में वो और भी हास्यास्पद है। जैसे अपना प्रज्वल रेवन्ना के बारे में उन्होंने कल कहा और आज के अखबारों में छपा है, और जाहिर है वो इसीलिए कल कहा और आज के अखबारों में इसीलिए छपा कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट है और वोट देने वाले कहे समझेंगे कि हाँ हाँ प्रज्वल, उन्होंने कहा है कि प्रज्वल को कठोरतम सजा होनी चाहिए। लेकिन प्रज्वल को कठोरतम सजा होनी चाहिए तो टिकट क्यों दिया गया? और अगर प्रज्वल को कठोरतम सजा होनी चाहिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी होनी चाहिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की सजा तो यही हुई कि आपने उनको टिकट नहीं देके बेटे को दे दिया। तो आपकी सजा और आपका कठोरतम अपराध सब कुछ तो क्लियर है, आपके यहाँ वो अपराध ही नहीं है तभी ब्रजभूषण सिंह के लिए कुछ किया नहीं गया, और वो अपराध नहीं है तभी उसको टिकट दे दिया गया, तभी उससे वोट मांगा गया और वो भाग गया। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, और सरकार को कार्रवाई क्या करनी है कि उसका पासपोर्ट रद्द कर देना है, वो तुरंत भागता हुआ नजर आएगा, तो आप वो कर नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि अधिकतम सजा देनी चाहिए और कर्नाटक सरकार भाग गई। तो मतदाता एक दो बार तो बन सकती है, झूठ के चक्कर में पड़ सकती है, लेकिन बार बार जनता को समझ में आ रहा है कि ये बार बार यही होता है, बार बार ये ऐसा ही करते हैं और हर बार इसी तरह का बचाव होता है इनका। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा चलेगा, और सब जो है अब खुलकर सामने आ गया है। और चूंकि बहुत ही तानाशाही वाला मामला था, ऐसा नहीं था कि बीजेपी में भी सबको फायदा हो रहा था, सबको खुश रखा जा रहा था और सबके सहयोग से मिलकर काम चल रहा था। लोग जो अपना सांसद है वो अपने इलाके में अगर काम नहीं कर पाएगा तो वो जीत के कैसे आएगा दोबारा, तो उसको भी चाहिए, या वो दोबारा चुनाव भी कैसे लड़ेगा। तो ये सारी बातें 10 साल में बहुत ज्यादा जमा हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ना उनको जीतने की उम्मीद है, ना जीतने के बाद सरकार से उम्मीद है। तो इस तरह से सब लोग निराश हैं, और इसी का नतीजा है कि वोटिंग का प्रतिशत भी कम हो रहा है। जिसको सरकार बदलनी है वो उत्साह में है, वो आके वोट दे रहा है, और जो उनके साथ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं जीते या हारे क्या फर्क पड़ता है, जीत जाएंगे तो भी कुछ नहीं होना हमारा, हार जाएंगे तो भी कुछ नहीं होना, हार जाए तो बेहतर है। तो वो आकर के, अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो वो आके किसी विरोधी को क्यों वोट दे, वो नहीं दे रहा है, क्योंकि विरोधी को अगर आके जाके वोट दे देगा तब तो डबल ही हो जाएगा, और तब तो शायद हम लोग शक भी नहीं कर रहे होते, हम लोग निश्चिंत हो जाते कि बीजेपी हार रही है। अभी हम लोग शक इसीलिए कर रहे हैं
कि कम वोट आ रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन लोग वोट दे रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं और ये नहीं लगता कि बीजेपी के जीतने का कोई कारण है, या कांग्रेस अगर अच्छा नहीं कर रही होती या राहुल गांधी ने इतना परिश्रम नहीं किया होता तो हम समझते कि हाँ चलो इनको भी वोट क्यों देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि वो वाकई चिंतित हैं, वो वाकई कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अगर मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था तो उन्होंने मीडिया को छोड़ दिया, सीधे लोगों से संपर्क किया, बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से सरकार ने अकाउंट ही फ्रीज कर दिया इलेक्शन के समय, उससे भी पता चल रहा है कि सरकार कितना घबराई हुई है या सरकार नहीं चाहती है कि वो किसी तरह से आए। और रही सही कसर मधुरी जी ने रोज राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बोल करके झूठ सच पूरी कर दी है। तो मुझे लगता है कि जनता अब सब समझ रही है और जिसको वोट देना होता है, जिसको नहीं देना है उसकी बात अलग है, वो अपने हिसाब से तय करता है कि हमें किसे वोट देना है। और इन स्थितियों में जो वोट देने जा रहा है वो सपोर्ट करने नहीं गया होगा, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि बीजेपी फिर आए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर पिछला ही इलेक्शन हम लोग याद करें तो कोई नहीं सोच रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत गई। तो इसलिए इलेक्टोरेट कैसे बिहेव करता है ये हर बार के लिए अलग हो सकता है, और हर बार होता भी है, कई बार होता है। इसलिए हम लोगों को अभी कुछ भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि क्यों बीजेपी को वोट मिलेगा। शर्मिता जी, कल्पना तो नहीं कर सकते हम भविष्य की, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र भी इस समय इसी उम्मीद पर जी रहा है कि कभी शायद हालात बदले, 4 जून को मोदी जो है वो फिलहाल अपना झोला उठाएं और दिल्ली से विदा लें, ऐसी उम्मीद जो है इंडिया गठबंधन जगा रहा है लोगों के मन में। प्रशांत जी, यहाँ पर संजय जी ने जो दो बातें कही उसको मैं उठाना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना की बात कही, आपने भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब वो भाग गया था देश से, मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि भाग गया था, लेकिन वहां ये बताया जा रहा था कि नहीं, उनका पहले से मतलब उसका दौरा जो है पहले से तय है और यूरोप दौरे पर जाना था। और प्रज्वल रेवन्ना का भी शायद एक बयान आया था कि मैं आ जाऊंगा 7 दिनों के भीतर, हालांकि अभी तक तो वो नहीं आया, तो ये जाहिर हो गया। और मोदी भी कल अब ये बोल रहे हैं कि कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। सवाल यही है कि सजा दिलाने का काम तो अदालत का है, लेकिन पहले कार्रवाई करने का काम तो सरकारों का है। तो बीजेपी को इस पर, बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की या एयरपोर्ट से जाने दिया उसे आराम से, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि क्या मोदी को अब अगर ये लग रहा है, एक तो आपने उसके लिए खड़े होकर वोट मांगा, क्या आप कम से कम मतदाताओं से माफी नहीं मांग लेनी चाहिए कि मैंने गलत इंसान के लिए वोट मांगा था, क्योंकि 26 तारीख तो बीत गई। लेकिन अगर वो माफी भी मांग लेते तब भी मोदी की नीयत पर तो कम से कम शक नहीं होता कि चलिए आपको पहले खबर नहीं थी, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री सही कि आपको नहीं मालूम कि जिसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है वो किस चरित्र का है, आपको नहीं मालूम था, आपने उसके लिए वोट मांग लिया, चलिए ये गलती भी माफ। लेकिन अब जब पता चल गया है तो क्या माफी नहीं चाहिए थी कि मैंने गलत का साथ दिया? आप अभी भी घूम घूम कर बोल रहे हैं, तो बात यह कि क्या इनको, इनकी आंखों में जरा भी शर्म हया कुछ भी नहीं है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल मीडिया का यहाँ पर आता है, जो संजय जी ने जिसका जिक्र किया कि 10 सालों में मीडिया ने भी मोदी का जिस तरह साथ दिया या जनता के खिलाफ जिस तरह मीडिया खड़ा रहा, खिलाफ इसलिए क्योंकि जनता के मुद्दों पर उसने बात नहीं की बल्कि सरकार की मदद की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। हालांकि इसी दौर में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एकदम तेजी में आ गए, और बात वही है कि झूठ बहुत दिनों तक चलता नहीं और सच जो है उसको छुपाए छिपता नहीं, तो सच भी सामने आता गया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन अब यही मीडिया जो है वो मोदी का नुकसान करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शक्कर ज्यादा हो गई और नुकसान होने लगा, क्या ये कुछ वैसे ही मतलब मीडिया की जरूरत से ज्यादा चापलूसी? अब खुद मीडिया के क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल आ ही रहा है, क्या बीजेपी को भी इससे नुकसान हो रहा है? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, म्यूट हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रशांत जी। जी अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आएगी, पीछे से बंद। अच्छा, हम लोग जरा मोदी जी की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश करें कि वो किस हद तक अपने जो जिस पे वो विश्वास करते हैं उस पे कहाँ तक जाते हैं। बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो प्रज्वल रेवन्ना 7 तारीख की पोलिंग के पहले
भारत में होता, पुलिस की हिरासत में होता जी। लेकिन मोदी, और ये अगर होता तो जिन 14 सीटों पे कर्नाटक में आज चुनाव पड़ रहा है वहां बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि होगा, उस नुकसान को बचा सकते थे लेकिन नहीं किया। आप देखिए कि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं काटा, मैं उनके बेटे को टिकट देने को ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना नहीं मानूंगा जी। तो बहुत सारे युवा, मैं केवल जाट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो जाट परिवार से आती थी जिन्होंने आरोप लगाया, पहलवान हमारी ओलंपिक वाली, बहुत बड़ा युवा, महिला, देश के नागरिक उस बात से नाराज थे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की गुडविल बनती अगर ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे होता और उसके बेटे को टिकट नहीं मिलता। मिला, आप देखिए उन्नाव की घटना आपको याद होगी, उन्नाव की घटना में सेंगर जो बीजेपी का विधायक था जी, उसने क्या क्या जुर्म नहीं ढाए पीड़िता के परिवार के ऊपर, और वो लगातार बीजेपी में बना रहा, बहुत लंबे समय तक बना रहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको यहां से दिखाई देगा कि मोदी साहब की शख्सियत क्या है, कि वो अपना राजनीतिक नुकसान करके भी उनपे वो टिके रहते हैं जिसपे उनको विश्वास है। क्या बात है कि वो प्रज्वल रेवन्ना का साथ दे रहे हैं। साथ देना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक्शन कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, सत्ता है, पावर है, और आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये साथ देना हुआ। तो ये इस तरीके से आप मोदी जी की शख्सियत पढ़ सकते हैं। और प्रेरणा का मामला, आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, सब जगह इसका असर होगा। दूसरी बात मैं महाराष्ट्र की करना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र में जो आज मतदान हो रहा है वो दो चीजें तय कर रहा है। एक वो ये तय करेगा कि दिल्ली सांसद कौन कौन जाएंगे, और दूसरा वो ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है जी। ये चुनाव ये भी तय करेगा। तो महाराष्ट्र के लोग इन दो मुद्दों पर चुनाव दे रहे हैं। और तीसरी एक और चीज जो 4 जून को हम लोग जब बात करेंगे तो सामने आएगी, कम से कम 3 मुख्यमंत्रियों का भविष्य जो है 4 तारीख के नतीजे तय करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी इन्हीं लोकसभा चुनाव से तय होगा। नीतीश कुमार बिहार के रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसी लोकसभा के नतीजों से तय होगा कि जेडीयू का क्या होगा। और तीसरा एक और मुख्यमंत्री जिसके भविष्य पर फैसला होगा वो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में बहुत चर्चा है, बहुत से विश्लेषक लिख रहे हैं, पत्रकार, कि अगर तीसरा मोदी साहब की हैट्रिक होती है तो योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी सवाल उठेंगे कि वो कब तक रह पाते हैं। ये चर्चाएं हैं पॉलिटिकल गलियारों में, लेकिन दो मुख्यमंत्रियों का तो निश्चित तौर पे भविष्य तय होगा। तीसरी एक और बात है कि ये चुनाव में 10 दिन का गैप था। इस 10 दिन के गैप को मोदी जी इस्तेमाल नहीं कर पाए, और वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए उसका भी सवाल उसी मीडिया में जिसकी आप बात उठा रहे हैं, कि वो उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए इस बीच, 2 या 3, और वो उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहे जो मुद्दे उन्होंने पहले चरण के बाद उठाए थे। कोई नया प्रॉमिस, कोई नया वादा, कोई
नया नारा, कोई नया विमर्श वो तीसरे फेज के लिए पैदा नहीं कर पाए। इससे बहुत साफ एक चीज समझ में आती है कि 7 चरण का चुनाव तो आपने करा दिया, लेकिन अलग अलग चरणों में का प्रचार का जो स्ट्रेटजी है, कैंपेन स्ट्रेटजी है, वो नहीं तय की। अब आप कांग्रेस के कोई प्रवक्ता को, कोई छोटे मोटे लोगों को आप बीजेपी में शामिल कराओगे जिनको कोई जानता भी नहीं था, उससे आप हेडलाइन मैनेजमेंट करोगे अपने मीडिया में। हम तो चर्चा भी नहीं कर रहे, उनकी नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन वो उनका मीडिया में वो चर्चा होती है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि उस मीडिया ने नुकसान बीजेपी का ये किया कि जनता के मुद्दे, जनता के बीच के मुद्दे जनता के सामने नहीं उठाए और जनता उनसे विमुख हो गई। और जब जनता विमुख हुई तो एक नए मीडिया को रास्ता मिला, एक नए मीडिया को ऑडियंस मिला, और इसीलिए आप देखिए कि आप लोगों की व्यूअरशिप लगातार बढ़ती गई, दूसरे और लोगों की व्यूअरशिप लगातार बढ़ती गई, नए नए मीडिया हाउसेस आ गए, नए यूट्यूब चैनल आ गए, और जो कामयाब भी हो गए। और वो कामयाब इसीलिए हुए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर पिछड़ती हुई दिखाई दी। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि आज के चुनाव में 40 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए की या बीजेपी की कम हुई। ये 40 सीटें कम होने के बाद आज के तीसरे फेज के बाद मेजॉरिटी मार्क से बीजेपी नीचे चली गई। अब वो कितना रिकवर करते हैं या कितना नुकसान और होता है उनको, ये आगे वाले चरणों में दिखाई देगा। जी बिल्कुल, अभी 4 चरणों का चुनाव और बाकी है। और अभी तो ये कहना चाहिए जैसे कि पहले गौर में ही मक्खी गिर गई, मतलब ये सिर मुड़ाते ओढ़े ओले पड़े वाला हिसाब इनके लिए हो चुका है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में चुनाव करवाने के पीछे मंशा शायद यही थी कि 2 महीने का लंबा चुनाव खिंचेगा तो मोदी को हर एक जगह पर जाकर प्रचार करने का, 2-2, 3-3 बार जाने का, रोड शो करने का, और बिल्कुल जितने मुद्दे उठाने हैं, जितने मीडिया हाउसेस के पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू देना है, मनचाहे सवालों के जवाब देना है, इन सब के लिए भरपूर टाइम मिल जाएगा मोदी को। ऐसा लग रहा है कि मंशा यही थी कि पूरे देश में मोदी घूम सके, हालांकि मणिपुर छोड़कर, मणिपुर जाना उनके एजेंडा में कभी नहीं रहा है, पिछले 1 साल हो गए हैं। तो वो ये दिख रहा है कि जो सोचा गया था वो दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि 3 चरणों में ही ये बात सामने आ गई कि माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। अब सवाल यह है कि 3 चरणों में मोदी ने ऐसा कोई कमाल वो नहीं कर पाए बीजेपी के लिए, जिसमें वो एक तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर बात करना छोड़ दिया, बड़े तामझाम के साथ जिस घोषणा पत्र को उन्होंने लॉन्च किया था, जब सारी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो गए उसके बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र कुछ इस अंदाज में लाया कि पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब हो गया था कि उसमें कुछ भी नहीं था, मोदी 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 केवल वही दिखा। और अब वो मोदी उस घोषणा पत्र की बात भी नहीं करते, बात करते हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की, मुद्दे वो बताते हैं कांग्रेस के और उन मुद्दों पर वो झूठ बोल रहे हैं। तो संजय जी, क्या जनता अब इस मोदी के झूठ को समझ चुकी है, क्योंकि वो एक झूठ बोलना शुरू करते हैं और इधर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे नेता उस झूठ की पोल खोलना शुरू कर देते हैं। तो 3 चरणों तक तो मोदी कुछ कमाल कर नहीं पाए, आपको क्या लगता है कि अब जैसे हमने देखा कि रिसेंटली उन्होंने गोधरा पर कुछ भी बयान दिया, पहले वो मुस्लिम लीग पे और फिर मांस मछली मटन और मंगलसूत्र, अब वो सारी बातें छोड़ दी, फिर उन्होंने भैंस पर वो आ गए, उसपे भी उनको वो उल्टा ही वो पड़ा कि भाई ये यहाँ ये बात भी नहीं चलने वाली, तो फिर उन्होंने गोधरा की ये बात कर दी। तो आपको क्या लगता है कि अब और कौन से झूठ वो बोल सकते हैं, या आपका कोई अनुमान है कि अब मोदी और क्या कोई कमाल कर पाएंगे कि 4 चरण बचे हैं अभी और जिनमें उनको, उनके सामने दोहरी चुनौतियां हैं कि उनको बीजेपी की जो नुकसान हुई है कम से कम 40 सीटों का जैसे बताया जा रहा है, उन सीटों के नुकसान की भरपाई करनी है। दूसरी बात, संविधान बचाने वाली जो बात वो बोलते रहे कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को बदल नहीं पाएंगे, अभी फिर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनका बयान आ गया कि हाँ हम 370 इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी थी, तो हमको तो इसीलिए 400 सीटें चाहिए क्योंकि बहुत सारे बदलाव करने हैं।
तो वापस ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उनके नेता लगातार ये बात बोले जा रहे हैं, तो अकेले क्या मोदी के बोलने से ये बात अब जनता समझेगी कि हाँ बीजेपी आएगी अगर पावर में तो वो फिर संविधान नहीं बदलेगी? क्या मोदी का ये झूठ अब जनता को समझ में आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, एक अकेला सब पर भारी ये उन्होंने संसद में बोला था, क्या अब यही अकेले मोदी पूरे बीजेपी पर भारी पड़ गए? क्योंकि बीजेपी में सारे नेता तो बुरे नहीं, और बहुत लंबी पॉलिटिक्स रही है लोगों की, काफी उन लोगों ने अपना भी तन मन धन सब दिया है कि बीजेपी किसी तरह 2 सीटों से सरकार तक पहुंचे, सत्ता तक आए, ये वाजपेयी जी के समय तक हम लोगों ने देखा। उनकी आइडियोलॉजी चाहे जो रही लेकिन वो ईमानदारी से काम करते रहे। लेकिन अब मोदी, क्या वो 2-4 लोगों का उन्होंने एक जो अपना गुट बना लिया है, क्या उन्हीं के बीच में वो बीजेपी को वो रखना चाह रहे हैं, और बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता क्या उनसे निराश हो गए? क्या बीजेपी पर मोदी अब भारी पड़ गए हैं संजय जी? नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं कि मोदी जी बिल्कुल पॉलिटिकली इनकम्पिटेंट हैं और वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे, बीजेपी को लीड करने के योग्य नहीं थे। किन्हीं कारणों से उनको मौका मिला जो हम लोग जानते हैं, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। उनकी योजनाएं चलती गई, जो योजना उन्होंने बनाई वो चलती गई, और उन्होंने ये प्लान नहीं किया, वो इतने कम्पिटेंट नहीं है या उनके पास इतनी कम्पिटेंट टीम नहीं है जो ये प्लान करती कि हम इस लाइन पे बढ़ेंगे तो आगे क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, उनको कैसे टैकल करना, ये इन्होंने प्लान नहीं किया। और एक जो आसान रास्ता दिखा उस पे वो चलते गए और सक्सेस मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं यही कहता हूं कि अगर सफलता या लक्ष्य पे पहुंच जाना ही सफलता है तो वो उन्हें मिला, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जो तरीके आजमाए गए निश्चित रूप से वो गलत थे और नहीं किए जाने चाहिए थे। उसमें अनैतिक होना, गैर कानूनी होना और गलत होना, झूठ बोलना सब शामिल है। तो मुझे लगता है कि लक्ष्य पे पहुंचना अगर लक्ष्य था तो ठीक है उन्हें मिला, लेकिन वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए उन्होंने जो गलत तरीके अपनाए वो कोई कंपिटेंट आदमी आजमाता नहीं, वो करता नहीं। तो चूंकि वो इनकम्पिटेंट थे, उनको वो लक्ष्य चाहिए था, उन्होंने इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज किए और लोगों ने उनका साथ भी दिया, क्योंकि बाकी लोग नहीं करते, और नहीं करते तो लक्ष्य नहीं मिलता, लक्ष्य नहीं मिलता तो भाजपा का कार्यालय नहीं बना होता अभी तक, जो सबके हित में है या भाजपा के हित में तो है ही है। तो मुझे लगता है कि सबको चाहिए था कि भाजपा की सरकार बने और नरेंद्र मोदी वो सब करके भी प्रधानमंत्री बनने और भाजपा के लक्ष्य पूरे करने के लिए तैयार थे, जो भाजपा को चाहिए था तो वो मिल गया। लेकिन आप शिखर पर पहुंचकर शिखर पर बने रहे इसके लिए योग्य होना जरूरी होता है, या शिखर पे टिके रहने की क्षमता चाहिए होती। चूंकि वो नरेंद्र मोदी में तो नहीं ही था, बीजेपी की उनकी टीम जो काम कर रही है, मैं बाकी के बारे में नहीं जानता, जो उनका सहयोग कर रही है वो भी इतनी कम्पिटेंट नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को उस शिखर पे बनाए रखती। तो चूंकि वो योग्यता ही नहीं थी, और हो सकता है बहुत लोगों को उसकी जरूरत भी नहीं लगती हो, लोग चाहते हो कि हो गया प्रधानमंत्री बन गए काम हो गया, तो बीजेपी में ही लोग चाहते हो कि वो हटे, वो भी हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है, वो भी हमारी चर्चा का विषय। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो बहुत वहां के योग्य नहीं थे और लोगों ने उनका साथ भी देना छोड़ दिया, तो उनका डाउनफॉल होना स्वाभाविक था। और चूंकि वो जैसे हैं उसमें वो अपने बने रहने के लिए या अपने आप को वैसा ही दिखाने के लिए अकेला सब पर भारी जैसी बातें करते रहे, जो कि सबको पता था कि वो अकेला सब पर भारी कैसे, प्रधानमंत्री इसलिए भारी है भाई, प्रधानमंत्री है इसलिए ईडी उनकी बात सुन रही है, प्रधानमंत्री है इसलिए सीबीआई उनके साथ है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए उसमें अकेला सब पे भारी वो उनकी गलतफहमी थी या एक झूठ नैरेटिव को वो अपने हिसाब से बना रहे थे। जब तक मीडिया उनका साथ दे रहा था, जब तक बाकी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, जब तक प्रियंका गांधी बोल नहीं रही थी, उनका भाषण छप नहीं रहा था, जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं थे और कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया क्या है ये छापना मीडिया के लिए जरूरी नहीं था, तब तक वो जो बोल रहे थे वो सब छप रहा था। लेकिन जब ये सारी चीजें हो गई तो उनके बोलने का जवाब छपने लगा, तो अब उनको बोलना अब उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है, और जो चाहे वो बोल नहीं सकते हैं, और चूंकि जवाब आ रहा है तो वो बहुत कमजोर दिख रहे हैं या बहुत खराब आदमी दिख रहे हैं, तो अब उसमें वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है कि उनको काउंटर किया जाए, वो चाहते हैं कि जो बोल दे वो चल जाए, और चूंकि उसको काउंटर कर दिया जा रहा है तो उनके पास जवाब नहीं है।
जैसे ये वाला है प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आज चूंकि वहां वोट है, वोटिंग है, इसलिए उन्होंने संभालने के लिए कह दिया कि सबसे ये सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसका वो इंतजार कर रहे थे कि पोलिंग के एक दिन पहले कहेंगे तो शायद उसका इफेक्ट हो, क्योंकि उसको काउंटर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये कौन नहीं समझ रहा है कि अगर प्रज्वल को टिकट ही नहीं दिया गया होता तो ये सारा विवाद ही नहीं होता। अब वो चाहे जो कहें, हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, सबको पता था कि वो ऐसा करता है, सबको पता था कि ये कोई पेन ड्राइव में है जो बाहर आ सकती है, बीजेपी को चिट्ठी लिख के दी जा चुकी थी कि वो टिकट ना दिया जाए, उसके बावजूद उन्होंने दिया, सब हो गया। अब इसका नुकसान जो है, कल किसी अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि इसका नुकसान ये है कि जिन महिलाओं के साथ ये सब हुआ, उन्होंने अगर अपने घर में नहीं बताया था, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया था, अपने पति को नहीं बताया था, तो अब वो आइडेंटिफाई हो गई, पति कह रहा है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो अब तो वो एक तो पहले से पीड़ित, अब पति भी उसके खिलाफ हो गया। इसी तरह से अगर कि कोई आइडेंटिफाइड नहीं था मोहल्ले में, तो अब सब लोग उसको मोहल्ले में पहचान रहे हैं। तो इस तरह से जो 300-400 महिलाएं हैं, मैं 2500 वीडियो है लेकिन अफेक्टेड महिलाएं शायद 400 हैं, तो जो 300-400 महिलाएं हैं जो एक ही इलाके में रहती है हसन और आसपास, तो उन सब के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल हो गया है इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन मोदी जी ने ये सब सोचा नहीं। मोदी जी ने अगर ये सोचा होता, मोदी जी को था कि वो जीत सकता है तो टिकट दे दो, और जीत सकता है तो उसको सपोर्ट कर दो। तो मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि उसके जीतने से या चुनाव लड़ने से ये सब हो सकता है। तो मोदी जी चूंकि आगे पीछे सोचते नहीं है, इसलिए, और चूंकि नैरेटिव नहीं बनता था, अखबारों में खबर नहीं छपती थी, अखबारों में आज हम लोग अगर ये यहाँ नहीं होता YouTube का चैनल तो हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मोदी जी ने जो किया वो तो पता ही नहीं चलता किसी को, और सिर्फ ये होता कि मोदी जी ने कहा कि सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा मिल जाएगी तो मोदी जी ठीक है। तो अब जो है वो उनकी चालें चल नहीं रही हैं और पोल खुल जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि इसलिए वो गड़बड़ा, उनकी योजनाएं जो है या उनकी जो कार्यशैली है वो सीमित हो गई है। तो अब उनके पास अगला प्लान आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अब वो जानते हैं कि मैं ये बोलूंगा तो ऐसे काउंटर हो जाएगा। क्योंकि काउंटर पहले होता नहीं था तो वो उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत उनके साथ दिक्कतें हैं, और चूंकि अब लोग उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनके साथ वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो एक तरह से अलग थलग भी पड़ गए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो संभाल पाएंगे। फिर भी अगर बीजेपी के लेवल पे कोई तय कर ले कि नहीं बीजेपी को बचाना है तो हो सकता है कि हो जाए, तो इसलिए ऐसा नहीं है, समय है, और समय इसीलिए रखा गया था कि जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। तो मैं ये नहीं मानता कि कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुश्किल है और फंस गए हैं। सुमित्रा जी बिल्कुल, मोदी फंस गए हैं, बीजेपी फंस गई है, और यहाँ संजय जी ने जो बातें कही जी, अतुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सिन्हा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरे दौर का चुनाव जिस तरह से चल रहा है, और दो चरणों में जो अभी तक की बातें हुई हैं उसमें ये दिख रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अतुल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके पास एक सवाल रखना चाहती हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं अतुल जी? हेलो जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर मित्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार अतुल जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे दौर का चुनाव, और अभी प्रशांत जी ने बताया कि कम से कम 40 सीटें, मतलब पहले दूसरे और तीसरे दौर का जो अनुमान लगा रहे हैं कि 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो चुका है, ऐसा अनुमान है। संजय जी का ये कहना है कि अभी जो मीडिया ने नुकसान किया है बीजेपी का, और अब बात हो रही थी कि मोदी क्या अकेले बीजेपी पर भारी पड़ गए हैं, क्योंकि इतना लंबा चुनाव, 7 चरणों का चुनाव शायद इसीलिए करवाया गया था कि मोदी को पर्याप्त वक्त मिल जाए कि वो पूरे देश में घूमे, रैलियां करें, सभाएं करें और मतदाताओं को किसी तरह लुभाने की कोशिश करें। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, और उसके बाद जितने भी मुद्दे मोदी ने उठाए वो उन्हीं पर उल्टे पड़ गए, भारी पड़ गए, बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुए। हमारा ये मानना है कि अब 4 चरणों में बीजेपी कुछ ऐसा खास कर नहीं पाएगी, और अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो इसकी एक बड़ी वजह मोदी ही बनेंगे। तो क्या मोदी बीजेपी पर भारी पड़ गए हैं, एक सवाल तो ये, और दूसरा अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि मोदी को काउंटर कोई करे ये उन्हें पसंद नहीं आता, तो क्या ये रवैया तानाशाही वाला है जिसके बारे में लगातार बातें तो होती रहती है, हालांकि सत्ता में बैठे लोग, मतलब जो विपक्ष है वो तो ये बोलता ही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं।
हालांकि इस रवैये को अब वो भी भुगत रहे हैं, मन की बात का अब अति हो चुकी है उसकी, और मोदी की नाकाबिलियत भी किसी न किसी तरह सामने आ गई है, क्योंकि पहले उनके कार्यकाल में जो भी फैसले लिए गए, नोटबंदी है, जीएसटी है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो खैर दूसरे कार्यकाल का था, लेकिन जो पहले नोटबंदी और जीएसटी, ये दो मुद्दे जनता को बहुत तबाह कर गए। उसके बाद अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो शायद दूसरे पिछले बार भी कांग्रेस या जो विपक्षी अलायंस था उसको थोड़ी सी बढ़त मिल जाती, कांग्रेस को बढ़त मिल जाती, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा पिछली बार लोगों को बहा ले गया। पर इस बार क्या जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो ना धर्म के मुद्दे पे भटकेगी, ना राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भटकेगी, वो अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करेगी, क्या आपको ऐसा लगता है अतुल सिन्हा जी? जी, आपने जो पहला सवाल किया कि ये जो लंबा वक्त मिला है मोदी को जिसमें वो उनको, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबा उनको वक्त मिल गया जो उनके लिए नेगेटिव साबित हो रहा है, ऐसा अभी तक लग रहा है। क्योंकि आप देखें कि आज तीसरे दौर का मतदान है और परसेंटेज को हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले दो चरणों के चुनाव की तरह ही इस बार भी वैसा ही कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है। बेशक चुनाव आयोग इस बार ज्यादा सतर्क है क्योंकि पिछली बार उस पर शायद नकेल कसी गई थी उसकी, तभी उसने 8-10 दिनों के बाद अपने जो आंकड़े थे वो बदले थे। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये जो तीसरे दौर का चुनाव है, और जैसा कि प्रशांत जी को भी मैं सुन रहा था और संजय जी को भी, उसमें उनका कहना बिल्कुल सही है कि एज तो इस बार मिला है विपक्षी पार्टियों को ही, और 40 सीटें कम का जो आकलन भी किया जा रहा है अभी, उस पर सीधा सीधा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये तो है ही कि एनडीए की सीटें काफी कम हो रही हैं इस दौर में भी, तीसरे दौर में भी। और जो अभी आपने कहा कि मोदी सब पर भारी का जो एक परसेप्शन बना है, ये मोदी सब पर भारी 2014 से ही ये परसेप्शन लगातार बढ़ता चला गया और 10 सालों में तो इसकी अति हो ही गई है। इसके पार्टी के भीतर इसे लेकर के लगातार जो असंतोष है जो पार्टी के तमाम नेताओं के भीतर, वो साफ साफ आप खुल करके तो वो कह नहीं सकते अभी, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर, जो कि आम जनता के भीतर का एक डर है, वैसा ही डर पार्टी के भीतर भी है कि पता नहीं अगर इनके खिलाफ कहीं से भी कोई आवाज निकले तो उसका क्या असर हो। तो ये डर उनके भीतर और उनके तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके भीतर भी है। मैं पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले की बात है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी मैं एक सभा सुन रहा था। उन्होंने आकर के आज भी 2019 वाले जो मुद्दे हैं, यानी पुलवामा को आज दोहराया, बालाकोट को आज दोहराया, और राम मंदिर को तो वो लोग लेकर के आ ही रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के सवाल को भी वो लगातार उठा रहे हैं। उनके भाषण में भी कहीं ये बात नहीं थी कि जो मूल मुद्दे हैं जनता के वो क्या हैं। मूल मुद्दे जो कि विपक्ष लगातार उठा रहा है, कांग्रेस ने बहुत अपनी जो तमाम यात्राएं की राहुल गांधी ने, और कांग्रेस के जो तमाम नेता बार बार कह रहे हैं, प्रियंका गांधी की रैलियों में जो बात बार बार आ रही है और जिसको उन्हें भारी समर्थन देखने को मिल रहा है, उन्हें निश्चित तौर पे ये मुद्दे भारी हैं। और इस चुनाव में या तीसरे फेज के भी चुनाव में लोगों का जो रुझान है वो देखकर अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी इस बार भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है जो तीसरे दौर का जो चुनाव है उसमें। बिल्कुल, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी को पहले ही एहसास हो गया था पहले दौर के और दूसरे दौर के मतदान के बाद कि वो पिछड़ रही है, और इन दो चरणों के बाद, इन दो चरणों के दरमियान और इसके बाद मोदी के भाषणों में जो गिरावट आई, जो बदलाव आया वो हमने देखा। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली अमेठी और रायबरेली में,
जहां उन्होंने इस तरह से प्रत्याशी उतारे जिसकी कल्पना ही बीजेपी ने कभी नहीं की थी, या मोदी ने नहीं की होगी, या स्मृति ईरानी ने नहीं की होगी। तो अमेठी और रायबरेली में एक झटका मिला बड़ा, और उसके बाद अब ये लग रहा है कि अब जून में आखिरी है, मेरा ख्याल है 1 जून को वाराणसी में है, और वहां से फिलहाल अजय राय हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन अब ये उसके में भी चल रहा है कि पता नहीं कांग्रेस अब कौन सा दांव खेल दे जिससे कि बीजेपी फंस जाए। और यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है, आपने सत्यपाल मलिक जी से बात की थी, आपने इंटरव्यू लिया था उनका, और उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। अभी हमने देखा कि अमेठी में परसों जो हाल रहा, जिस तरह की गुंडागर्दी वहां पर की गई, या आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पोलिंग बूथ पे जो खबर आ रही है यूपी में, तो वहां पर किस तरह मुस्लिम मतदाताओं पर कहीं लाठी बरसा दी गई, कहीं सपा समर्थकों को खींचकर बाहर किया जा रहा है, वोट देने से रोका जा रहा है, ऐसी छिटपुट खबरें आ रही हैं, पहले दौर में भी आई थी, दूसरे दौर में भी आई थी, और अब ये दिख रहा है कि बीजेपी की हताशा जो है वो बढ़ती जा रही है। मोदी के भाषणों के हम नमूने देख लें, या कि जब जिस तरह से उनको अयोध्या जाना पड़ा, मतलब राम मंदिर का मुद्दा उनको नहीं समझ में आया तो फिर वो अयोध्या जाकर फिर रामलला के सामने दंडवत हो गए। इस दंडवत होने से क्या उनका कुछ भला हो पाएगा, या कि फिर बीजेपी के दिमाग में अब ऐसा कोई खुराफात चल रही है जिसकी ओर इशारा किया था सत्यपाल मलिक ने, क्या उसका नमूना हमने अमेठी में देखा है, क्या अभी बाकी के जो 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं, आज तो गनीमत है, अभी इस वक्त तक तो मतदान शांतिपूर्ण ही रहा है कमोबेश, लेकिन अब जो और 4 चरण बाकी हैं, और जैसे जैसे बीजेपी को ये पता चलेगा कि अब वो पिछड़ रही है, आपको क्या लगता है मलिक जी का अंदेशा क्या सही साबित हो सकता है, और इंडिया गठबंधन को यहाँ अपनी तैयारी कैसे मजबूत रखनी चाहिए? देखिए, सत्यपाल मलिक ने जो बात कही पुलवामा को लेकर, और मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि ये लोग कुछ भी करा सकते हैं, उसके बारे में मुझे अभी कुछ दिन पहले भी बहुत से कई लोगों के फोन आए, और लोगों ने कहा कि वो बात सत्यपाल मलिक ने कहकर बड़ा कल्याण ये किया कि कोई वारदात नहीं होने पाई, अगर कुछ कहीं अंदेशा भी था तो वो एक कैबिनेट की तरह उसने काम किया। तो इस तरह के तीन चुनाव के चरण लगभग शांतिपूर्ण निपट गए। संभल में आज पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है और मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि आज शाम को 6 बजे के बाद क्या होगा, जब तीन चरण खत्म हो जाएंगे, देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज की जो मतदान हुआ है, हो रहा है, जो उसके बाद बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से नीचे आ गई है आकलनों के हिसाब से, तो अब बीजेपी के अंदर हलचल शुरू हो गई है, हो जाएगी और वो तीव्र हो जाएगी आज के बाद, शाम को 6 बजे के बाद। राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कहा और मोदी साहब से डिफरेंट लाइन ली कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। ये क्यों कहा उन्होंने, जब मोदी साहब घुसपैठियां कह रहे हैं, जब मोदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी, जब आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी, उस वक्त राजनाथ सिंह ये बात क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। देखिए, लग रहा, अगर बीजेपी को ये लगेगा कि 30-40 सीटें कम है और फिर भी सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो वो तमाम पार्टियां और दल किसके साथ जाएंगे? मोदी साहब के साथ नहीं जाएंगे, जिनका आधार मुस्लिम वोट भी है, मान लीजिए बीआरएस है, किसी भी गठबंधन में नहीं है जी, बीजेडी है या कोई और ऐसी पार्टियां, बीएसपी है जी, तो ऐसी तमाम पार्टियां जिनका आधार मुस्लिम वोट भी है, वो उसी के साथ जाएंगी जो मुसलमानों के खिलाफ कोई बहुत ही मुखर रूप से सामने नहीं आता हो, एक मॉडरेट चेहरा हो। तो राजनाथ सिंह ने 2024 के
अटल बिहारी वाजपेयी बनने का संकेत दे दिया है आरएसएस को। इस तरीके की और आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। एक और बात जो सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी, मीडिया का बदलता हुआ रुख, बिल्कुल कुछ उसके आंशिक परिणाम तो हमको देखने को मिल गए हैं संकेत, लेकिन वो और मुखर होंगे तीसरे के बाद। और आज शाम को 6 बजे के बाद और क्या होगा, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की टीमें हैं वो फ्री हो गई, छत्तीसगढ़ के नेता फ्री हो गए, भूपेश बघेल फ्री हो गए, डीके शिवकुमार फ्री हो गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री फ्री हो गए। अब ये सारे लोग वहां जाएंगे जहां चुनाव अब नहीं हो रहा है। और जो मुझे खबर है कि बहुत बड़ी तैयारी बनारस में मोदी साहब को घेरने की हो रही है, तो तमाम नेता बनारस में भी डेरा डालेंगे। अब जैसे सचिन पायलट को जिम्मा दिया गया था छत्तीसगढ़ का, सचिन पायलट अब आज शाम के 6 बजे के बाद दिल्ली में काम करेंगे और कन्हैया कुमार की सीट को फोकस करेंगे। तो ये शाम के 6 बजे के बाद ये तब्दीलियां अब होने जा रही हैं। जी मुझे जी, किसी और मीटिंग में जी जी बिल्कुल 3 घंटे रह गए हैं, मतलब अभी 3 बज रहे हैं और इस वक्त 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज हमने देखा 39.92% यानी कि 39.92% हुआ है, सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है वोट, वहां पर सबसे ज्यादा पड़े हैं। लेकिन फिर भी जितने पड़ने चाहिए थे, मतलब 39% वोट अगर 3 बजे तक पड़े हैं, तो ये देखना होगा कि 6 बजे तक अब क्या होता है, और 6 बजे के बाद यानी अब उसके बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो सीधे चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है और उसमें फिर ये सारे लोग लगेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस के भी कई बड़े नेता जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, ऐसा प्रशांत जी बता रहे हैं, और हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन 4 बजे नजर और नजरिया लेकर बुशरा जब फिर सामने आएंगी, तो फिर आप डीबी लाइव के दर्शक फिर देख पाएंगे कि आज जो तीसरे चरण का मतदान है, अभी 3 बजे तक की स्थिति पर हमने चर्चा की, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है और बीजेपी के लिए हालत इस बार भी अच्छी नहीं है। बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, बीजेपी के लिए हालात भी अच्छे नहीं है, दोनों ही बातें दिख रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बचे जो 4 चरण हैं उनमें बीजेपी क्या अपने लिए कोई सुधार की गुंजाइश बना पाती है या नहीं, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी, चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहते हैं। प्रशांत जी, संजय जी और अतुल जी।